क्लास नाइन्थ हिंदी पाठ छे चेरापूंजी से आया हूं। प्रश्न एक, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? प्रश्न एक, किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? उत्तर, मेघालय को बादलों का घर कहते हैं। उत्तर, मेघालय को बादलों का घर कहते हैं। प्रश्न दो, जीप में लेखक के साथ और कौन बैठे हैं? प्रश्न दो, जीप में लेखक के साथ और कौन बैठे हैं? उत्तर, जीप में लेखक के साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके दो दोस्त बैठे हैं। उत्तर, जीप में लेखक के साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके दो दोस्त बैठे हैं। प्रश्न तीन, मेघालय के तीन पर्वतीय अंचलों का नाम लिखिए। मेघालय के तीन पर्वतों के अंचलों के नाम लिखिए। उत्तर, खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंती पर्वत, ये मेघालय के तीन पर्वतीय अंचल हैं। प्रश्न चार, मेघालय में हर कहीं कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है? मेघालय में हर कहीं कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है? उत्तर, मेघालय में हर कहीं मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था है। प्रश्न पांच, नोशेंगतियांग प्रभात किस नाम से लोकप्रिय है? उत्तर, नोशेंगतियांग मास माई प्रभात के नाम से लोकप्रिय है। उत्तर, नो शंगतियांग मासाई माई प्रभात के नाम से लोकप्रिय है। प्रश्न छः, गारो समूह किस जाति का अंग माने जाते हैं? उत्तर, गारो समूह बोडो जाति का अंग माना जाता है। उत्तर, गारो समूह बोडो जाति का अंग माना जाता है। दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, बिजली के उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा? प्रश्न एक, बिजली के उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा? उत्तर, मेघालय में खपत से ज्यादा पन बिजली उत्पादन होते हैं। अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दी जाती है। यदि सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होते रहेगा। प्रश्न दो, माहिती बाजार के बारे में तीन वाक्य लिखिए। उत्तर, मणिपुर की राजधानी इम्फाला में माहिती बाजार देखने को मिलती है। माहिती बाजार को माँ के बाजार कहते हैं। यहाँ गर्भ भेद नहीं, वर्ग भेद नहीं मिलता, यानी बाजार में अमीर और गरीब घरों की स्त्रियां सामान की बिक्री करती हैं, नजर आती हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाला में माहिती बाजार के देखने को मिलता है। माहिती बाजार को माँ का बाजार कहते हैं। यहाँ वर्ग भेद नहीं मिलता, यानी बाजार में अमीर और गरीब घरों की स्त्रियां सामान की बिक्री करती नजर आती हैं। प्रश्न तीन, चेरापूंजी की विशेषता क्या है? प्रश्न तीन, चेरापूंजी की विशेषता क्या है? उत्तर, समुद्र की सतह से 1300 मीटर ऊपर यह स्थान है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा के लिए यह प्रसिद्ध है। वर्षा धूप कोटरे की छुपा छुपी यहाँ खेल खेल यहाँ चलता रहता है। प्रश्न चार, मासमाई गांव की गुफाएं कैसी हैं? मासमाई की गुफाएं कैसी हैं? उत्तर, मासमाई की गांव की गुफाएं इतनी अंधेरी हैं कि मशाल या टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। सदियों से यह गुफाएं उसी तरह हैं और बहुत दूर दूर तक चली गई हैं। द्वित्व शब्दों को पाठ में से चुनकर लिखे हैं। उदाहरण,
उमड़ते घुमड़ते। उत्तर ऊंचा नीचा दो, रीति रिवाज कल कल, चल चल अगले बगल, ऊपर नीचे। रिक्त स्थान की स्पूर्ति कीजिए। मेघालय के राजधानी है शिलंग। चेरापुंजी की शिलंग से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। मेघालय में हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। चेरापुंजी समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर है। खासियों को समाज में समान की दृष्टि से देखा जाता है। जोड़कर लिखिए। चेरापुंजी की सड़कें कोहरे से धीरे हुए हैं घिरे हुए हैं कोहरे से घिरे हुए हैं। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती हैं। चेरापुंजी में साल भर वर्षा होती रहती है। नेगड़म खासी लोगों का प्रमुख नृत्य है। बेड़े ने गुलाम जयंती पहाड़ियों का उत्सव है। उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। विचक बेहिचक, रोकटोक बेरोकटोक, रहमे बेरहम, कसूर बेकसूर, शक बेशक, सहरा बेसहरा, इज्जत बेइज्जत, ईमान बेईमान, वफा बेवफा, ताजा बेताज, काबू बेकाबू। अब आपको किसी यात्रा पर जाना है, सोच समझकर आप इन वाक्यों में एक क्रम से लिखिए। उत्तर यात्रा स्थल को चुनना, छुट्टी लेना, बस सामान या रेल में आरक्षण की व्यवस्था कर लेना, होटल के संपर्क कमरा निर्धारित करना, कपड़े मान लेना। चेरापुंजी में साल भर वर्षा होती रहती है। वर्षा की प्रकृति के अनुपम भेंट और इसी प्रकार की प्रकृति के कुछ अन्य दुर्लभ की सूची बनाइए। उदाहरण जल प्रपात, जल प्रवाह, जल विद्युत, जल धारा। संकेतीय बिंदुओं के आधार पर अपनी किसी यात्रा का वर्णन कीजिए। प्रश्न एक, कहाँ गए थे? मैं मैसूर गया था। प्रश्न दो, किसके साथ गए थे? मेरे मित्रों के साथ गया था। प्रश्न तीन, कब गए थे? उत्तर, क्रिसमस की छुट्टियों में गए थे। प्रश्न चार, कैसे गए थे? उत्तर, कार से गए थे। प्रश्न पांच, उस स्थान में क्या क्या देखे? उत्तर, मैसूर पैलेस, ललितमल जगन मोहन आर्ट गैलरी, मैसूर प्राणी संग्रहालय, चामुंडी पहाड़, कृष्णराज सागर आदि देखा। प्रश्न छह, कोई विशेष अनुभव एक दो तीन वाक्यों में लिखिए। उत्तर, जगन मोहन आर्ट गैलरी देखते ही मुझे अत्यंत खुशी रोमांचक हुआ। राज्य का प्रेम वर्मा के पेंटिंग जो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखकर मन में प्रसन्नता एवं आनंद की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह चित्र इतनी सजग सजीव लगते हैं कि मानो हम जीवित इंसान से मिल रहे हैं। ऐसे चित्र मैसूर में हैं, जानकर मेरा मन उल्लास से भर गया। कक्षा में चर्चा करके इन दोनों से होने वाली हानियां लिखिए। अतिवृष्टि, खेत खलियान बह जाते हैं, सतान डूब जाते हैं, लोग पानी में बह कर रात मर जाते हैं अनुवृष्टि, बिना पानी के खेत लिहान सूख जाते हैं, जानवर पशु पक्षी मर जाते हैं, अनाज नहीं मिलता।
अनुरूपता उत्तर कर्नाटक बेंगलुरु मेघालय शिलंग राजस्थान रेत का प्रदेश मेघालय बादलों का घर मणिपुर इम्फाल बांग्लादेश ढाका नोक्रेम नृत्य बेडार कलाम बेडना कलाम उत्सव भाषा ज्ञान संधि चित कीजिए और संधि का नाम लिखिए देहांत देह प्लस अंत देहांत दीर्घ संधि सु प्लस इच्छा स्वच्छेन स्वेच्छा यण संधि अति प्लस अधिक अत्यधिक यण संधि महा प्लस उन्नत महोन्नत गुण संधि वीर प्लस अंगना वीरांगना दीर्घ संधि नौ प्लस एक नायक नायिका नायिका आयादि संधि संधि कीजिए मत प्लस अनुसार माता अनुसार मुनि प्लस इंद्र मुनिंद्र गुरु प्लस उपेंद्र गुरु उपेंद्र वीर प्लस उचित विरचित लोक प्लस उपकार लोकोपकार महा प्लस उदय महोदय महा प्लस ऋषि महर्षि सदा प्लस एव सैदव लोक प्लस ऐश्वर्य लोकैश्वर्य शो प्लस अन शयन उदाफ अनुसार लिखिए उदाहरण के देव प्लस आलय देवालय गोल प्लस आकर गोलाकार स प्लस अनुभित महानुभूति रजनी प्लस ईश रजनीश सु प्लस आगत स्वागत अति प्लस अंत अत्यंत सुन प्लस अय अन्याय अनु प्लस अय अन्याय भो प्लस अन भवन मित्र प्लस आज्ञा मित्राज्ञा पौ प्लस अक पावक चरापुंजी से आए हुए पाठ का सारांश सारांश समरी शिलंग मेघालय की राजधानी खूबसूरत राजधानी है। वहां के प्रकृति के सौंदर्य की तुलना उत्तर भारत में किसी भी शहर के साथ नहीं हो सकती। स्वस्थ सुंदर पर्वती नगर के चारों तरफ हरियाली छाई हुई ऐसा शायद देखने को मिले लेखक जीप से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रहे थे। साथ में राज्य के अधिकारी श्री संगमा और उनके दो दोस्त भी थे। उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक मेघालय में जल विद्युत का उत्पादन मानक की बिक्री से ज्यादा होता है और अतिरिक्त बिजली की अन्य राज्यों के देते हैं। मेघालय के तीन पर्वतीय आंचल में बटा हुआ है काशी पर्वत गारो पर्वत जयंती पर्वत। हर एक आंचल का अपना महत्व है अलग अलग संस्कृति और वहाँ मातृसत्तात्मक पारिवारिक और व्यवस्था भूमि धन संपत्ति सबका माँ से बेटी को मिलती है। ज्यादातर पर्वतों राज्य में स्त्रियों का वर्चस्व देखने को मिलता है। भले ही वहाँ मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था न हो मणिपुर की राजधानी इम्फाला में मैती बाजार देखने को मिलता है। मैती बाजार यानी माँ का बाजार दिन भर सामान की बिक्री यहाँ महिलाएं करती हैं। यहाँ वर्ग भेद नहीं अमीर गरीब घरों का स्त्रियों का इस बाजार में मिल जाएंगे। इस बाजार में दुकानों पर बैठी हैं महिलाएं फिर चाहे दुकान फल हो सब्जी हो कहीं भी हो या चाय की। आगे बढ़ते हुए लेखक ने संगमा के साथ चले जाते हैं। वहां एक जगह पर जीप रुकवा दी सामने नेहरंग तियांग प्रभात का जो
मासा माई प्रणाद के नाम से लोकप्रिय है दिखाई दिया। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी में लगातार बिना किसी रुकावट के गिर रहे, वहां बांग्लादेश के ठीक सामने नजर आ रहा है। अचानक हल्की हल्की वर्षा शुरू होती है, पल भर में मौसम बदलते हैं। समुद्र की सतट से तरह के 100 मीटर ऊपर चेरापूंजी से विश्व में सबसे अधिक वर्षों वाला स्थान माना जाता है। वहाँ कल कल करते चल प्रहात भी है और मोर पानी से धीरे बांग्लादेश का भूभाग नजर आता है। खासी जयंती और गारो इन पहाड़ियों के लोगों की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं कि खासियों की समान की दृष्टि से देखते हैं जाता है। गारो समूह बोडो जाति है, संघ समूह बोडो जाति का अंग है। नोंग क्रेम प्रमुख मृत्युतियां और जयंतियां पहाड़ों की उत्सव का नाम बेहडेनकल नाम है। मासाबाई की गांव की गुफाएं के वहां इतनी अंधेरी है कि मशाल या टॉर्च चलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। लेखक के साथ संगमा और उनके दोस्तों ने मशाल जली और गुफाओं के अंदर आगे बढ़ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एक्सपर्ट करियर एकेडमी समर वेकेशन क्लास रेगुलर क्लासेस 10th एडमिशन इंग्लिश मीडियम कन्नड़ मीडियम 9th 8th 7th 6th 5th 4th इन ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम नवोदय सैनिक स्कूल कित्तूर पीयूसी फर्स्ट सेकेंड आवर्स कॉमर्स साइंस ऑल क्लास कोचिंग अवेलेबल एक्सपर्ट करियर एकेडमी सैनिक स्कूल मुदल निगेट हत्ती रतरी रोड हबीब नगर विजयपुर